सो हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे हाउ टू फाइंड स्विफ्ट कोड विथ ऑनलाइन स्विफ्ट कोड कैसे पाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। स्विफ्ट कोड पाने का दो तरीका है दोस्तों, मैं दो तरीका इस वीडियो में बताऊँगा स्विफ्ट कोड पाने का। और स्विफ्ट कोड का मतलब है दोस्तों, स्विफ्ट कोड का दोस्तों बेसिक सा फंडा है दूसरे कंट्री से बैलेंस कोड जो है अपने पैसे को ट्रांसफ़र कराने के लिए स्विफ्ट कोड का ज़रूरत पड़ता है। स्विफ्ट कोड का बेसिक फंडा है दोस्तों, आपको अगर अपने ब्रांच का स्विफ्ट कोड चाहिए तो इस जरिए भी आप दो तरीका बताऊंगा। आप एक तरीका है जो ब्रांच का स्विफ्ट कोड है उसको भी सर्च करके अपने ब्रांच का स्विफ्ट कोड पा सकते हो। और एक तरीका है दोस्तों, आप यहाँ पर दोस्तों अगर आपका चैनल में आप यूट्यूब चैनल में जैसा कि आप स्विफ्ट कोड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्विफ्ट कोड जो है यूट्यूब में आपको अगर आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप कोई भी स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हो अपने आसपास के बैंक का। जैसे कि आपका SBI बैंक है और आपका बैंक SBI का ब्रांच मान लीजिए कहीं है वहाँ का स्विफ्ट कोड नहीं है तो SBI का स्विफ्ट कोड आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसी भी जो स्विफ्ट कोड को यूज करके अपने बैलेंस को ले सकते हो आपका ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आपको चलिए बताते हैं डिटेल में पूरा कैसे आपको स्विफ्ट कोड मतलब पाना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पर पूरी डिटेल में मैं बताता हूँ स्विफ्ट कोड को कैसे पाएंगे आप आसानी से। तो चलिए वीडियो को करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग आ गए हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा मोबाइल स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों तरीकों को। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट जो है मतलब फर्स्ट तरीके से आप कैसा है सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको अपने गूगल को या फिर कोई ब्राउजर को ऑन कर लेना है। तो मैं गूगल को यूज कर रहा हूँ। तो गूगल में आपको सर्च करना है आप जिस भी बैंक का आपको स्विफ्ट कोड चाहिए, HDFC या SBI या किसी भी बैंक का। तो यहाँ पर मैं HDFC का स्विफ्ट कोड आपको सर्च करना है मुझे, तो मान लीजिए HDFC स्विफ्ट कोड यहाँ पर लिख देना है WW। यहाँ पर आपको फाइंड WW लिखना होगा www.swiftcode.com लिख देना है। उसके बाद से आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे सबसे ऊपर वाला जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख पा रहे अगले इंटरफेस में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्विफ्ट कोड वायर ट्रांसफर। तो यहाँ पर इस बैंक का स्विफ्ट कोड जैसा कि इस तरह से खुलेगा कुछ पेज आप देख पा रहे। तो आपका HDFC कोड है, आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप HDFC का स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप इस कोड को यूज करके अपने जो है मोनेटाइजर को ऑन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको स्विफ्ट कोड दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ इंटरफेस मिलेगा आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद से यहाँ पर आपको देख ले HDFC मुंबई स्विफ्ट कोड, तो यहाँ पर इस मुंबई का भी स्विफ्ट कोड आप यहाँ है तो यहाँ पर यूज करेंगे तो आपके बैंक में पैसा आ जाएगा आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसका स्विफ्ट कोड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है। तो और एक तरीका है दोस्तों स्विफ्ट कोड पाने का, तो उसको भी चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, तो फ्रेंड्स दूसरा प्रोसेस थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा और यहाँ पर दूसरे प्रोसेस के लिए भी आपको इसी तरह से आपको ब्राउजर को यूज करना पड़ेगा। आपको ब्राउजर लेना है, उसके बाद लिखना है www.find। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको लिखना होगा स्विफ्ट कोड फाइंडर। स्विफ्ट कोड फाइंडर लिखने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद से आपको फ्रेंड्स पहले वाला जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। पहले वाले आपको देख सकते हैं बैंक कोड्स, यहाँ पर स्विफ्ट कोड सर्च फाइंडर टूल्स, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करते हुए जाना है। उसके बाद से आपको इस तरह से कुछ भरने के लिए बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो पहले वाले आपको यहाँ पर अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है, तो इस वाले आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद अपने कंट्री को चूज कर लेना है। तो मैं इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा आपको बैंक को सिलेक्ट करने का, तो आपको बैंक चूज कर लेना है आपका कौन सा बैंक है, HDFC SBI जो भी बैंक है आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर है आप देख पा रहे होंगे, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से फर्स्ट सिलेक्ट योर सिटी, आपको शहर कौन सा है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका सिटी है।
तो मैं यहाँ पर गोरखपुर सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं गोरखपुर को सिलेक्ट करता हूँ अभी, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद से नीचे वाले ऑप्शन में आपको आपका जो है मिल जाएगा कोड, जो भी होगा इस पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया, ये गोरखपुर का शिप कोड है SBI बैंक का, आप देख पा रहेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने ब्रांच का कोड आप सिलेक्ट कर सकते हो, आसानी से पा सकते हो। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस तरह से लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको लेकर लाता रहता हूँ, एजुकेशनल वीडियो। और इस चैनल पर आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहेंगे, नॉलेजफुल यूट्यूब रिलेटेड ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को मैं देता रहूँगा समय समय से। हर रोज़ शाम को वीडियो आप लोगों को मिलेगी इस चैनल पर। तो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, 1K सब्सक्राइबर मैं जल्दी हाइट करने वाला हूँ, तो इसी तरह सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।